दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल का भी आ गया नंबर। ईडी ने केजरीवाल को भेज दिया नोटिस, 2 नवंबर को होगी पूछताछ। दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले को लेकर ईडी की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी नोटिस भेज दिया गया है। ईडी ने सोमवार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सोमवार को ही दिल्ली शराब नीति के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अब केजरीवाल का भी नंबर आ गया। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए अब ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद भड़क गई आम आदमी पार्टी। कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। दरअसल अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरीके से ईडी ने 2 तारीख का समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है उससे ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाए और आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी। ईडी ने मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में थे। बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर अब ईडी ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाए। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने और केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा आम आदमी पार्टी चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रही है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत नहीं मिलने पर और केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने जिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की बात कर रहे थे उनके भारत रत्न के प्रत्याशी की जमानत याचिका 6 बार खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले के बाद अब केजरीवाल को भी ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है और अब केजरीवाल को 338 करोड़ रुपए का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब केजरीवाल सरकार को न्यायालय को बताना पड़ेगा कि घोटाले का पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो जाता है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कितने भ्रष्टाचारी हैं और अब हालत यह हो गई है कि आम आदमी पार्टी चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रही है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा आम आदमी पार्टी से डर गई बीजेपी, इसीलिए ईडी ने केजरीवाल को भेजा समन। दरअसल दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। आम आदमी पार्टी की सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है, यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल ही हैं। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ गया है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अगली बड़ी खबर, हिंसक हो गया मराठा आंदोलन, जमकर हुई आगजनी और तोड़फोड़, भारी बवाल के बीच धारा 144 लागू, इंटरनेट भी किया गया बंद। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन काफी तेज हो गया है और अब ये आंदोलन हिंसक भी हो गया है। आंदोलनकारियों ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास और बीड़ में स्थित एनसीपी के ऑफिस में आग लगा दी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक ग्रुप ने नगर पालिका परिषद भवन की पहली मंजिल को भी आग के हवाले कर दी। इसके अलावा गंगापुर में बीजेपी विधायक प्रशांत बॉब के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। पूरे मामले को लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने स्वास्थ्य जांच करवाने से भी साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा मराठा आरक्षण के समर्थन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीड़ जिले में धारा 144 लगाने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट को भी बंद कर दिया है। 30 अक्टूबर की रात 8 बजे से 1 नवंबर रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरे तरीके से बंद रहेंगी।
अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को मिल गई बड़ी राहत। इंडिया नाम पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया अपना रुख, कहा हम गठबंधन के नाम पर कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडिया गठबंधन के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करा विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया, इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये लोग विपक्षी दल इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में हो चुकी है। ये सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हैं और मोदी सरकार को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के नाम पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केसीआर के बेटे केटीआर ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चला रहा गौर से। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बीआरएस नेता केटी रामाराव ने भारतीय जनता पार्टी पर तेलंगाना में तनाव पैदा करने और गंगा जमुना संस्कृति को बिगाड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बीआरएस को बदनाम करने का आरोप लगाया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों को संबोधित करते हुए केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गॉडसे गांधी भवन में घुस गया है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चला रहा है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी तेलंगाना में तनाव पैदा करने और शांति और भाईचारा गंगा जमुना संस्कृति को बिगाड़ने की साजिश कर रही है। तेलंगाना के मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केसीआर बीजेपी के एजेंट हैं और बीआरएस बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रही है। वो केसीआर और बीआरएस को बीजेपी की बी टीम कहकर बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर आकर ऐसा कहती है लेकिन वो महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना खुद को हिंदू पार्टी मानती है और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती है और कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी है। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी तेलंगाना में आती है और कहती है कि हम बीजेपी के साथ मिले हैं। अगली बड़ी खबर, बीआरएस सांसद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले आगे मोहब्बत की दुकान और पीछे तसुद का अपमान। दरअसल बीआरएस के सांसद के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमले को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि के प्रभाकर रेड्डी पर प्रचार के दौरान सिद्दीपेट जिले में एक व्यक्ति ने चाकू से कथित तौर पर हमला कर दिया जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अब इसी मसले को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आगे मोहब्बत की दुकान और पीछे तसुद का अपमान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरएसएस के लोगों का के प्रभाकर रेड्डी को डराने और धमकाने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है। ओवैसी ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी ये 1984 के सिख विरोधी नरसंहार की दुर्भाग्यपूर्ण याद है जो कि कांग्रेस के शासन में ही शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री केसीआर ने भी बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमले को लेकर कहा कि इसकी सबको निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि पार्टी के उम्मीदवार पर हमला केसीआर पर हमला है। उन्होंने कहा कि हमले नहीं रुके तो हम में भी साहस है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकजुटता पर उमर अब्दुल्ला ने दे दिया बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन की स्थिति बिल्कुल मजबूत नहीं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लड़ाई सामने आई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के गठबंधन की स्थिति अभी मजबूत नहीं है, कुछ अंदरूनी झगड़े हैं जो देखने को मिल रहे हैं। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, खासकर 4 से 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई सामने आई और दोनों ने कहा कि वे यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भारत गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि इन विधानसभा चुनाव के बाद हमारी मुलाकात फिर से होगी और हम साथ में बैठकर कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे काम करें। हाल ही में मध्य प्रदेश
में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा आमने सामने आ गई थी और दोनों पार्टियों के बीच में जुबानी जंग भी छिड़ गई थी। इसके चलते अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कुल 45 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि फिलहाल इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की स्थिति बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। अगली बड़ी खबर, ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे से की 7 घंटे पूछताछ, बोले मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे जानबूझकर किया जा रहा परेशान। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश हुए। ईडी ने वैभव को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। वैभव गहलोत ने कहा कि फेमा का उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता, मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, चुनाव के समय ऐसी कार्यवाही सवाल उठाती है। वैभव गहलोत ने 1 घंटे के लंच ब्रेक के लिए ईडी के कार्यालय से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा कि मेरा और मेरे परिवार का फेमा या विदेशी लेन देन से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में साड़ी बांटकर भीड़ जुटाने का लगाया आरोप, चुनाव आयोग में करा दी शिकायत। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू है और सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध पैदा ना हो सके। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार दौरा कर जनसभाएं रहे हैं। इस चुनावी चहल पहल के बीच में इंदौर वन विधानसभा से प्रत्याशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर महिलाओं को साड़ियों का प्रलोभन देने का भी आरोप लगा है। यह आरोप इंदौर वन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने लगाया है। संजय शुक्ला वर्तमान में इस सीट से विधायक भी है। संजय शुक्ला ने अपने क्षेत्र से विरोधी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को साड़ियां बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद एक वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक घर के अंदर साड़ी बांटी जा रही है। घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेता महेश जायसवाल के नाम का बोर्ड भी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर महिलाओं की भीड़ लगी है। इस दौरान जो महिलाएं घर के बाहर आ रही हैं उनके हाथों में साड़ी नजर आ रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्री की कार्यक्रम में महिलाओं को लाने के लिए बीजेपी पर साड़ी वितरण का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जरिए चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद पुलिस और एसएसटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया है। चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच में जुट गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से साड़ियों को बांटने के मामले में अपनी सफाई दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में दोबारा बीजेपी की ही सरकार बनते देखकर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से बौखला गई है, इसी वजह से वो उल्टे सीधे आरोप लगाने में लगी है। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया खुला चैलेंज, बोले यदि हिम्मत है तो वाराणसी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दें। दरअसल यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को जहां से मर्जी हो चुनाव लड़कर दिखा दें। और बात रही वाराणसी से चुनाव लड़ने की, तो नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के जैसे सपने ना देखें, वाराणसी की जनता अपना फैसला ले चुकी है। इस बार भी वाराणसी की जनता पुनः नरेंद्र मोदी को ही जिताएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव लड़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जनता उन्हें जान चुकी है। पत्रकारों ने जब बीजेपी फायर ब्रांड नेता से पूछा कि नीतीश कुमार तो नालंदा से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री अपने पुराने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक दो जगह क्या, पूरे देश में 20 जगह से चुनाव लड़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उन्हें पूरे तरीके से समझ चुकी है। नीतीश कुमार को चारों खाने चित्त करने के मूड में आ गई है। अगली बड़ी खबर, लेटेस्ट सर्वे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, मध्य प्रदेश में मिल रही सिर्फ 84 सीटें। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। शिवराज सिंह जहां पर बीजेपी की सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी। इन सबके बीच एक लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, इसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए यह सर्वे बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है। दरअसल जी न्यूज़
फॉर सर्वे के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी को 132 से लेकर 146 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं सर्वे की माने तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 84 से 98 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य के पास में 0 से 5 सीटें आती नजर आ रही हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो इस सर्वे के ओपिनियन पोल के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 46% वोट शेयर तो वहीं बीजेपी को 43% वोट शेयर मिल सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल इस सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक 132 से 146 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता को दे दी 8 बड़ी गारंटी। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलेगी ₹500 की सब्सिडी और 200 यूनिट बिजली होगी बिल्कुल फ्री। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी भी खैरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने 8 बड़े चुनावी वादे कर दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बरकरार रहती है तो प्रति सिलेंडर की रिफिल करने पर ₹500 की सब्सिडी दी जाएगी और राज्य में 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। दरअसल चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 8 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आते ही रसोई गैस सिलेंडर रिफिल पर ₹500 की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण की मांग के बीच मुख्यमंत्री शिंदे के खेमे में मचा भारी हड़कंपा, 2 सांसदों ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग और बवाल के बीच मराठा समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिंगोली से शिवसेना लोकसभा सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो वहीं नासिक से सांसद हेमंत गौड़से ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पाटिल ने कहा कि लोकसभा स्पीकर अपने दफ्तर में उपस्थित नहीं थे, ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा कार्यालय सचिव को सौंप दिया है। दोनों सांसदों को एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।